हेलो, गुड इवनिंग। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक मेजर एप्लीकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंट के थ्रू मॉलिकुलर मास को फाइंड करना। तो जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं उसमें जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या फिजिकल क्वांटिटीज हैं उससे हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे हम किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम इसे मेजर कर लें यानी ऑब्जर्व कर लें तो कोई अननोन सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। तो ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी का या क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज का एक एप्लीकेशन है। तो जो भी एपरेटस हमारे पास अवेलेबल हो तो उस एपरेटस से हम एक कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं और उस कैलकुलेटेड क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिकुलर मास को निकाल सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे फिर से एक बार वो चार क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी और उनके एप्लीकेशन, मतलब यूजेस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से हम क्या क्या कैलकुलेट कर पाते हैं। तो पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय प्योर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, हम कह रहे थे इक्वल टू क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमते हैं तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एन सॉल्यूट डिवाइड बाय एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और एक बार एन सॉल्यूट निकल जाए तो हम इसका मास भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा सैंपल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और चूंकि सॉल्यूशन बहुत कम होता है, मतलब एन सॉल्यूट जो है वो लेसर देन एन सॉल्वेंट होता है, तो न्यूमेरिकल्स में हम इसको अवॉइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, W सॉल्वेंट मतलब सैंपल वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर न्यूमेरिकल में किसी भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये वैल्यू दिया हुआ रहे, ये वैल्यू दिया हुआ रहे और हमें निकालना हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को निकाल सकते हैं इजीली। सेम इज द केस विथ सेकेंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इनटू मोलालिटी। ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू टेबल में दिया रहता है, डेल्टा टीबी का वैल्यू दिया रहेगा, हमें निकालना होगा जो सॉल्यूट है उसका मॉलिकुलर मास। तो मोलालिटी से हम निकाल सकते हैं, हमें पता है मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू सैंपल वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो इसे केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाई 1000 कर रहे हैं। सिमिलरली डेल्टा टी एफ कोई फर्क नहीं है, बस डी के बदले में एफ लिख रहे हैं, कैलकुलेशन के प्रोसेस सेम रहेंगे। यहाँ पे के एफ नहीं होगा, के बी होगा। इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या है, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट या मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, एक मोल के लिए कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है। केएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम और एम का फॉर्मूला सेम ऐसा ही। लास्ट इज
ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी वेयर पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इम्प्लाइज पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी. एन को हम रिलेट कर सकते हैं गिवन मास बाई मोलर मास से, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बाई वी इंटू मोलर वेट इंटू आर टी. आर कॉन्स्टेंट होता है, टी पूरे प्रोसेस में कॉन्स्टेंट रहता है, एक वैल्यू रहती है, वॉल्यूम दिया रहेगा, हमें मॉलिकुलर मास निकालना है. तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे ज़्यादातर मॉलिकुलर मास निकालने के ऊपर होगा. तो इस जो भी ये कंसंट्रेशन टर्म है, मोलालिटी हो, मोल फ्रैक्शन हो या मोलालिटी हो या नंबर ऑफ मोल्स हो, इसे गिवन मास बाय मोलर मास पुट कर देंगे और मोलर मास निकाल लेंगे. तो अलग से फॉर्मूला, एक लंबी सी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इस फॉर्मूला को फर्दर जो उसके डेरिवेटिव्स है उसमें तोड़ देंगे. तोड़ने के बाद हम निकाल सकते हैं एज इजी एज दैट. नेक्स्ट हम देखेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो हम एब्जॉर्ब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलर मास, और जो इंस्ट्रूमेंट से एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्जर्व करेंगे वो मॉलिक्यूलर मास. देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो कैलकुलेट करने के बाद जो मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है और जो ऑब्जर्व करने के बाद एक्सपेरिमेंटली जो मॉलिक्यूलर मास निकल रहा है, दोनों में डिफरेंस पाया जाएगा इस तरह के सॉल्यूट में. जो सॉल्यूट सॉल्यूशन में या फिर डिसोसिएट करके नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ जाए या एसोसिएट करके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाए, तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा तो कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगा और ऑब्जर्व कम दिखेगा. अगर डिसोसिएट हो जाए तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा दिखेगा लेकिन कैलकुलेटेड वैल्यू कम आएगा. तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें कैलकुलेशन एक करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं, उसे कहते हैं भैंड ऑफ फैक्टर, जिसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा. थैंक यू.